الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ خالق و مالک واسطے خاص ہے بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء میرے پیارے مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی گرامی تے جس طرح کے تساں نے ماشاءاللہ چار علماء دا بیان سن لیا ہے اسماعیل ربانی صاحب دا ماشاءاللہ علی راس مدنی صاحب دا اور امان اللہ صاحب دا اور رونا عبدالشکور صاحب دا ماشاءاللہ بہت اچھے بیان سارے ساتھیوں نے کیتے نے اللہ دے کولو دعا ہے کہ اللہ ان علماء دی عمر دے اندر زندگی دے اندر برکت فرمائے اور جس طرح ساتھی سارے بیٹھے دے رل مل کے اج انشاءاللہ الرحمن رمضان دی 27ویں رات ہے رمضان دا مہینہ بڑا برکتاں والا رحمتاں والا مہینہ ہے انشاءاللہ الرحمن میرے تو بعد مولانا عثمان گوندلوی صاحب جدوں تشریف لے آؤ گے انشاءاللہ میں اپنی گفتگو نو اودے ہی ختم کر دیواں گا وہ ساڈے آخری خطیب نے آخری مہمان نے اللہ تعالیٰ انہاں دی بھی عمر اندر علم اندر اضافہ فرمائے اللہ پاک دے قرآن دے اندروں ایک چھوٹا جا مقام میں بیان فرمایا اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ سونے محبوبہ میرے بارے اعلان کر دیو کہ مالک کائنات نے اعلان فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ کہ تیارے رب نے فرمایا کہ منو پکارو میں تہاڈیاں دعاواں نو قبول کراں یعنی کہ تہاڈیاں دعاواں نو قبول کراں گا بے شک جڑے لوگ میری عبادت تو تکبر کر دینے یعنی کہ میرے کو دعا منگر تو تکبر کر دینے میں مالک کائنات ان قریب ذلیل کر کے انہوں جہنم دے اندر داخل کر دیواں گا
यानी कि अल्लाह पाक ने इस मुकामे ईशान के अंदर इस बात का तज़किरा फरमाया कि तुहाडा रब इस बात का ऐलान कर रहा है कि मैनू बेकारो मैं तुहाडियां दुआवां नू कबूल करांगा। अल्लाह के सोने महबूब ने फरमाया दुआ ही अल इबादत, दुआ एक इबादत है। यानी कि जिस तरह इंसान नमाज पढ़ता है, हज अदा करता है, रमज़ान के रोज़े रखता है, सदका खिरात जो जो भी करता है एक इबादत समझ के, इस तरह दुआ भी माल के कायनात ने एक इबादत बना छड़ी है। इबादत है किसके वास्ते? इंसान अपनी नमाज के अंदर जो तशद के अंदर बहिंदा ना उत्थे एक दुआ पढ़िया करता, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु अत्तय्यिबातु। इन्हां जुमलियां के अंदर इंसान अपने रब ने इकरार कर रहा, वादा कर रहा, यानी कि मेरी कौली फेली बदनी जिन्नी भी इबादत ने ये अल्लाह मैं तेरे वास्ते कर दिया वा। यानी कि दुआ भी एक इबादत है, दुआ करनी कि को चाहिए, मालिक को मंगना चाहिए है। यानी कि जो भी चीज इंसान जो भी हाजत होवे, जो भी परेशानी होवे, अपने मालिक के दरबार के अंदर अपनी इल्तजा अपनी दुआ नू मालिक दे दरबार के अंदर पेश करे। मालिक कहनात का वादा है कि मेनू बेकारो मेरे को मंगो, मैं मालिक कहनात तुहाडियां दुआवां नू कबूल करना वा। तो जिहड़ा मालिक दे कोलों दुआ नहीं मंगदा, मालिक मालिक कहना तीलान फरमा रहे ने सयद कोलू नजहन्नम दाखिरीन, मैं जलील करके अन करीब जहनम का बन बना देवांगा। इस वास्ते अकाल हिसरत सलाम ने फरमाया मालिक कहनात जड़े ने इंसान दुआ ते करे मालिक किदां कबूल करदे ने। हदीस सही सुनना आउंदी है सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अनु इस रवायत दे रावी ने फरमाउंदे ने सुने महबूब फरमाउंदे ने अल्लाह किन्ने हिया वाला, अल्लाह हिया वाला किन्ना है कि जदों इंसान ऐदा करके मालिक कहनात दरबार के अंदर अपने हाथ उठाता है, मालिक कहना दे दरबार के अंदर इंसान ने हाथ उठाए ने दुआ वास्ते हाथ उठाए ने, मालिक तेरी जात तो मैं कुर्बान जावा। मालिक कहते ने जो गुनाहगार बंदा ज़ियाकार बंदा ऐदा करके मेरे अदालत के अंदर अपने हाथ उठाता है, मैं मालिक ना हया वाला वा, मैनू खाली मोड़ दिया उंजी शर्म आती है। जदों आके इंसान मालिक कायनात दे कोलो इल्तजा करता है, दुआ करता है, मालक आते नहीं मैं खाली मोड़ दिया, मैनू मालक नू उंज शर्म आती है। वेखो जात कितनी बादशाह जात है कि इंसान जो भी दुआ करता है इल्तजा करता है कोई भी चीज मंगता है मालिक कायनात आते ने मैनू उंजी मोड़द्या हया आता है। हदीस मुस्लिम के अंदर आँदी आकर ही सरातो सलाम फरमाते ने जदों रात का आखिरी हिस्सा शुरू हो जाता है अल्लाह पाक समाने दुनिया से आ जाते ने आवाजा लाउनिया शुरू कर देंगे ने, है कोई मेरे को मंगण वाला मैं अता कर देवगा, है कोई मेरे को बख्शिश मंगण वाला बख्शिश दे देवांगा, है कोई गुनाहों की माफी मंगण वाला मैं माफ कर देवांगा, है कोई मेरे को आके दुआ करने वाला मैं मालिक उसकी दुआ को कबूल कर लवांगा। ये मालिक कायनात ने तेरे और मेरे वास्ते यानी कि दुआ एक इंसान करे तो सही। आका रही सलात व सलाम फरमाउंदे सैयद अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस रवायत दे रावी ने सोने बाबू फरमाते ने जरा बंदा मालिक दे कोलों दुआ नहीं करता मालिक उहदे नाल उंजी नाराज हो जाते गुस्से हो जाते ने। दुनिया के माशरे नूं वेख लईए, अगर इंसान किसी कोलों कोई चीज तलब करन वास्ते सवाल करता कोई मंगता मालिक की मर्जी है उहनूं दे देवे या ना देवे, लेकिन जात ऐसी है मालिक कायनात दी आज जड़ा मालिक को आप नहीं मंगता, मालिक कहता मेरे को नहीं मंगता मैं मालिक को देना नाराज हो जाना। दुआ एक बहुत बड़ा हथियार इंसान वास्ते, लेकिन दुआ करनी है तो इस तरह करनी है अपने इमाल भी वेखने ने। जिंदगी दे अंदर कुछ ना कुछ ऐसे इमाल होने चाहिए ने जेड़े खालसा तन अल्लाह की रजा वास्ते किते हो।
ताकि इंसान की जिंदगी के अंदर कोई ऐसी परेशानी आ जाए, कोई ऐसी अजमैश आ जाए जिदे अंदर वो ईमान वसीला बना के माखिर के कायनात दे कोलो इंसान दुआ करके अपनी तकलीफ के अंदरों अपनी परेशानी के अंदरों निकल जाए, यानी कि दुआ मालिक की कबूल कर लैन अपने हिमाच जानी कि ऐसे कोल इंसान दे हुणे चाहिए नामा ईमान के अंदर जो खालसतन अल्लाह की रजा वास्ते कीते होना। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत दे रावी, रवायत बड़ी मशहूर है, जगह के पीर बयान करते हैं, रवायत मुस्लिम के अंदर आती है। आप फरमाते ने तीन बंदे सफर करते जा रहे हैं, सफर करद्या करद्या बारिश आ जाती है, तो तीन बंदा ने किया की है इस तरह करके गार के अंदर दाखिल हो गए बारिश की वजह तो। जिस वेले गार बारिश की वजह तो गार के अंदर दाखिल होए ने हुंदा कि एक बहुत बड़ा पत्थर आउंदा गार के बूह के अगे आके इस तरह गार नू बंद कर दिंदा है। हुण तिने बंदे परेशान ने, यानी कि बंदोबस्ती को नहीं जिले नाल इस गार के अंदरों बहर आ जान। तिना साथियों के अंदर इन्नी ताकत भी कोई नहीं कि जिहड़ा जोर लगा के उस पारे पत्थर नू गार दे मूँह तो पिछे हटा सका। हुण एक दूजे दोस्तां नाल दोवां नाल मशवरे करदे ने कि इस मुसीबत के अंदरों इस परेशानी के अंदरों नजात देनी है तो मालिक कायनात ने देनी है। तो ये करो जिंदगी के अंदर कोई ऐसे अमाल जड़े किए ने खालसा अल्लाह की रजा वास्ते वो अल्लाह के दरबार के अंदर पेश करो दे मालिक कायनात कोलो दुआ करो मालिक कायनात इस मुसीबत के अंदरों इस परेशानी के अंदरों सानू निजात दे देवे। सोने महबूब फरमाउंदे इन्हां दे अंदरों पहला बंदा उठिया, उठ के उन्हें एक गल कही है, आंदा सोने मालिक तू जानदा मैं महाल चा रहा करदा सा, बकरियां चा रहा करदा सा, ते मेरी आदत होया कर जदों माल नूं लै के आउणा ते दुध चो के अपने वालदैन नूं पेश करना। एक दिन कुदरती माल चारदा चारदा मैं दूर चले गया, माल चारदा चारदा दूर चले गया। जदों शामा नूं वापस आया ते मेरे वालदैन सौ गए ने, मैं दुध चोया, बच्चे बिलक रहे ने मेरे कोल, मेरे पैरों के कोल आके बच्चों ने भुख की वजह ना शोर मचाया है, लेकिन वालदैन आराम कर रहे ने सौ गए ने। मैं इंज किया दुध का प्याला लैके वालदैन के सराने खड़ा हो गया ना बेदार नींद तो किया ना जगाना उन्होंने गुबारा किया। मैं खलो रहा जो रात का आखिरी वक्त हो आखिरी जानी टाइम आया, मेरे वालदैन उठे ने, मैं दुध का प्याला उन्होंने पेश किया, उन्होंने पीता है मालिक तू जान दा है खालसतन तेरी रजा वास्ते मैं ये अमल किया है, जे तेनू कबूल है मंजूर है मालिका तेरी रजा वास्ते अमल किया है, जे तेनू कबूल है ते इस नजात मुसीबत दे कोलों सानू तकलीफ जड़ी आई है ये मुसीबत जड़ी आई है सानू इतों नजात अता कर छड। सोने महबूब फरमाउंदे ने पत्थर थोड़ा जिहा पछा हटिया, यानी कि थोड़ी जी रिशनाई आई है लेकिन निकल चुका रास्ता नहीं। इस वास्ते दुआ करिए ते अपने नामा ईमान के अंदर कुछ ऐसे ईमान मौजूद होने चाहिए ने कि जिन्होंने वसीला बना के मालक के दरबार के अंदर पेश कर सकीए, ताकि मालिक कायनात उन्हें ईमान की वजह तो साड़ी दुआ नूं कबूल कर ले। जगह के पीर बयान करते हैं, फिर दूसरा उठ पैंदा, दूसरे उठ के अपनी इल्तजा शुरू की, अपनी दुआ शुरू की है, आना मालिक तू जानदा है मैं एक मजदूर नूं मजदूरी वास्ते लिआंदा। साडा माशरा मजदूर की मजदूरी तो दूर की गल है, किसी को पैसे हदारे लै लीए तो असं वापस देने वास्ते तैयार नहीं, यहो जहाँ असं मुसलमान हो चुके। उठ के दूसरा इल्तजा शुरू कर दा, मालिक तू जानदा मैं मजदूर मजदूरी वास्ते ले आया, उन्होंने लिया के मैं कम ते लाया मजदूरी ते लाया, जदों मजदूरी लैन का वक्त शाम का होया मैं उन्होंने मजदूरी उदी पूरी दिती है, लेकिन नाराज होके छड़ के चले गया अपनी मजदूरी नो, यानी कि गुस्से होके चले गया, मजदूरी भी पूरी दिती है लैन वास्ते तैयार नहीं, गुस्से होके किसी वजह ना तुर गया है।
बड़ा चिर बीत गया मैं उसे यानी कि मूंजी के दाने बीजिया जमीन के अंदर उन्होंने अंदरों नफा बहुत कमाया बहुत माल बन गया ऊठ गाई बकरियां बन गई यानी कि वो माल न मैं अपनी यानी मालकीयत के अंदर शामिल नहीं किया वक्री पूंजी के अंदर मालिक जी मजदूरी से उस तो ज्यादा जोड़ा भी माल बनता गया एक थान से अलादा करी गया कुछ अरसे तो बाद उस मजदूर नूं जरूरत आई यानी कि परेशानी आई तंगी आई हालात ने जानी कि उन्हें मजबूर कर दिता मजदूर आंदा भी उस बंदे को मैं मजदूरी लैनी सी चल चल जन्ने आ जिनी मजदूरी देगा उन्नी लै लेंगे जिस वेले आया कि सवाल किया अल्लाह दे बंदे तेरे को मजदूरी की सी इंज कर मजदूरी वापस दे दे मजदूरी मेरी दे दे वो बंदे ने कहा कि अमाल जिन्हें भी गुलाम है अमाल तेरा है तू ले जा अंदा अल्लाह दे बंदे मेरे ना मजाक तेरा कर आख्या नहीं मजाक नहीं ये तेरी मजदूरी तो ही सारा माल बनया ये गुलाम बने ने ये जितना भी है तेरा है मेरा ये ते कोई हक नहीं ये माल ले जा माल ले गया मजदूर अपना माल ले गया ऐ मालका कहन तू है सोनिया मालका तू जानना है ये अमल किया ते खालसा तन तेरी रजा वास्ते किया ये अमल नूं जे तू कबूल है ते इस मुसीबत तो मैं दुआ करना वा सानू रिहाई होनी चाहिए मुसीबत तो सानू यानी के बाहर निकलने का कोई बंदोबस्त बनना चाहिए है सोने महबूब फरमाउंदे होर थोड़ा जिहा पत्थर हट जाता है लेकिन निकल जोगी जगह नहीं बनी तीसरा उठ के खड़ा हो गया तीसरा उठ के खड़ा हो गया अंदा मालका तू जानता से मैं अपने चाचे जाती बेटी दे नाल भराई वास्ते यानी के अमादा हो गया उन्हें एक बहुत बड़ी शर्त मेरे अगे पेश की थी 100 दिनार पेश करेंगा फिर एक और करांगी कई दिन मजदूरी की थी जदों मजदूरी करन तो बाद पैसे लैके खलबत के अंदर आया उन्हें कोई गल कही तकिल्ला या अबदल्ला इंज कर अल्लाह दे बंदा अल्लाह दे कोलों डर जा यानी कि इस बराई तो बाज आ जा मालक दे कोलों डर जा मालक दे अजाबां दे कोलों डर जा ऐ मालका तू जानदा वे मैं गुनाह छड्या ऐन मौके ते छड्या बहुत बड़ी बहादुरी यानी कि ऐन मौके ते गुना जना छड्या मालका खालसा तन तेरी रजा वास्ते छड्या ऐ मेरिया मालका जे तेनु साडा ईमान मेरा ईमान कबू अपना कबूल है मंजूर है तेरी रजा वास्ते कीता है इस परेशानी तू मैं दुआ करदा इंतजा करदा अपना ईमान पेश करके सानू नजात होनी चाहिए है सोने महबूब फरमाउंदे अल्लाह पाक ने तिना दे अमाल जड़े खालसा तन अल्लाह दी रजा वास्ते कीते सन अल्लाह ने कबूल करके तिना नू नजात अता कर छड़ी है असी भी जिंदगी दे अंदर इहो जिहा अमाल यानी कि जिंदगी दे अंदर करिए जिहड़े मालक दे दरबार दे अंदर पेश करिए मालक कहना जरा सानू भी परेशानियां तो निजात अता कर देवे ते जगा ने पीर अलैहि सलातु वस्सलाम की फरमाउंदे ने एक सहाबी आया ना सुनिया महबूबा अजान वाले जड़े साडे कोलों इंज कीता अजान वाले ने मुकाम ज्यादा लै लिया है फजीलत ज्यादा लै ली अल्लाह दा हुक्का दिंदे अजान दिंदे ने इस गलों असी परेशान हाँ सोने महबूब फरमाउंदे आ मेरे आने वाले जान सर सियाबी परेशानी ना लै जो मुअज्जन कहिंदा ओ तू कही जा अजान दा जवाब दे बाद दुरूद पढ़ दुआ पढ़ फिर जेड़ी भी दुआ करेगा मालक कबूल करके तेनू अता कर छड़नगे यानी के आओ ना अपने माल पेश करिए होर किस तरह अल्लाह पाक इंसान दिया इंतजावा कबूल करता दुआवा कबूल करता जगह ने पीर फरमाते ने जो तो बंदा नमाज दी हालत दे अंदर हुंदा ते सारिया नालों करीब कदों हुंदा जदों सजदे दे अंदर इंसान सजदे दे अंदर सिर रखदा है सारिया नालों ज्यादा अल्लाह दे करीब बंदा उदों हुंदा है
अल्लाह कितने सानू अल्लाह के अगे सजदा करन दी तफीक दे दे। बड़ी बड़ी दुनिया वेखी जलील हुंदी थां थां ते दर बदर ते जा जाके सजदे कर दिए, जो मालिक दी वारी आ जांदी लोग ख्याल ही नहीं करते। जात ते मालिक दी जिनू सजदा कीता जाए, क्योंकि सर मालिक ने अता कीता है। जिस तरह सर मालिक ने सारे जिसम तो उच्चा करके इंसान दे लाया है, ये सर इस लैके के सारे नालों उच्ची हस्ती दे दर दे अंदर झुकाया जाए। जग्गा ने पीर फरमाउंदे ने, जदों बंदा नमाज दी हालत दे अंदर सजदे दी हालत दे अंदर हुंदा है, उदों ज्यादा अपने मालिक दे करीब हुंदा। फ अक्सर दुआ, उदों ज्यादा दुआवां करिया करो, मालिक कबूल करिया करदा है। यानी कि सजदे दे हालत दे अंदर ज्यादा दुआवां करनिया मालिक कबूल करदा है। जग्गा दे पीर ने सलातो सलाम और सुने महबूब की फरमाउंदे ने, आ फरमाउंदे ने, माशा रजी अल्लाह तआला ना सिरवादिया रावी ने फरमाउंदिया ने वैसे ही सनद ना हुंदी है। जग्गा दे पीर दी इक लौंडी यानी कि सुने महबूब दी अम्मा जी ऐसा बयान करदिया ने, कबीले दी लौंडी है, कबीले दे कोल रिया करदी सी, कबीले दी नुकराणी। अल्लाह पाक बेबस इंसान जदों हो जाता है, जदों भी बेबस इंसान मजबूर हो गए, कोई दुनिया का चारा नहीं चलता, अपने मालक के दर से आ जाता है, तो मालक उस बंदे की कदर कराया करते हैं। आ फरमाते ने, कबीले की लौंडी सी, नुकराणी सी, कबीले के नाल रहा करती सी, कबीले दे नाल रिया करदी सी। एक दिन होया की है, उस घर दी चौधराणी ने मालक ने कीता की है, अपने लक दा कमर बंद खोलिया है, जिहड़ा सुरख रंग दा कमर बंद सी, इस तरह करके गुसल करन वास्ते ओह तैयार है। उन्हें कीता की कमर बंद ला के ते इस तरह कीता है, अपने वेड़े दे अंदर रख दिता है। जग्गा दे पीर बयान करदे ने, समान तो इस तरह परिंदा एक चील आई है, इल आई है, उस कमर बंद नू लैके ते ठा के जंगलों वाल चले गई है। हुण घर वालिया ने सारे ने मशवरा किया कि नुकराणी चौड़े साडी उड़ते इल्जाम ला दिता, हत्ता के मुकम्मल कपड़े ला के ओदी तलाशी लई, इन्नी परेशान उन्हों की। अल्लाह की कसमे, जदों कोई इंसान मालिक नूं पुकारदा है, मालिक दा वादा है, वकाल रब्बुकुम उद्उनी अस्तजिब लकुम, जदों कोई मालिक नूं पुकारदा, मालिक उहदियां पुकारां सुनिया करदे ने। इस नुकराणी ने इस परेशानी दे अंदर, बेबसी दे अंदर अपने मालिक दे नाल गल मिलाई है। अल्लाह दी सो जानवर छह लै जान कदी वापस नहीं लिया करदे, ये जानवरों की फितरत होया करती है, कोई कोई चीज उठा के लै जान जंगलों के अंदर बाहर लै जाना, वो कदी वापस नहीं लैके आया करते, क्योंकि अगर उन्होंने खाण की चीज़ हो खा लिया करते ने, ना खाण की चीज़ हो उत्थे ही सुट दिया करते ने। जदों इस नुकराणी नूं परेशान किया, इन्हें मालक अगे इल्तजा की, चील इल जड़ी है इस तरह ही हार लैके जंगल वालों आ रही है। आने सारिया ने कबीले आलिया के दरम्यान ऐदा करके इल ने हार सुट दिता है, हार सुटिया गोम ने झुक लिया है। मैं दसना यह जाना वा, मजबूरी आई है, परेशानी आई है, इस नुकराणी नू इस लौंडी नू आई है, इन्हें मालिक दे इल्तजा की है, मालिक ने आसानी पैदा कर दी है। उस जानवर के जहन के अंदर एक गल उठा दी है, जिन्हें हार उठा के खड़े आए ओ वापस ले आके उसे तरह पेश करके चले गई है। इस तरह मालिक सुनता है, इस तरह मालिक जिहड़ा इंसान दीआं पुकारां दे दुआवां नूं सुनिया करता है। हदीस सही सुनन लाउंदी है, जग्गा दे पीर दा सियाबी है, एक दिन गुरबत ने बड़ा सताया, घर दे अंदर घर दी नूं पुछिया कोई खाण वास्ते कोई रिज़क कुछ है, आख्या कोई नहीं, बाहर जंगलों चले गए, अल्लाह अगे दुआ करने वास्ते।
घरदी ने भी किया दुआ की मालिक अगे अल्लाह सानू रिज़क अदा कर दे। इस तरह करके घर वाली ने अपनी तंदूरी के अंदर अग बाली है, तंदूरी के अंदर अग बाल के जिस वेले ते दुआ कर लग पई है मालिक कायनात के अंदर, मालिक कायनात के दरबार के अंदर ये दोवें दुआ कर लग पैंदे ने। आपे ही चक्की चलनी शुरू हो जाती है। दुआ वेखो कि कैसी अल्लाह पाक ने यानी कि बनाया दावा नजरिया। आपे चक्की चल रही है, पता नहीं दाने कितों आ रहे ने, आटा निकली जा रहा, तंदूरी च रोटियां लगी जा रही ने, उधरों घर का मालिक भी आ गया है। आके कुछ मिलिया? हाँ मिलिया, अल्लाह पाक ने रिज़्क़ अता कर छड़िया है। मुशाहदे की गल है, साडे वर्गा इंसान है आंदा वेखा तो सही है चक्की च दाने किहड़े पासिओं आ रहे हैं। उतला हिस्सा, उतला पाट चुक के चक कर लगा है, चक्की बंद हो जाती है। चलदा चलदा सोहणे महबूब दे कोल आया, आखिया सोहणे महबूबा गल ते बन गई सी, दुआ की सी दोवां जीआं ने, मालक दे दरबार दे अंदर इल्तजा की सी, मालक ने कबूल कर ली सी, चक्की चल पई सी, आटा पीस रहा सी, रोटियां लग रही सी। सोणिया मैं चक करन वास्ते थोड़ा जिहा उदला उतरा हिस्सा चुक के मशादे वास्ते वेख्या, सोणिया चक्की बंद हो गई। आखिया मेरे सहाबी अगर चुक के ना वेख दो ते तेरी दुआ अल्लाह पाक ने कबूल की सी, चक्की क्यामत तक इस तरह चलती रहती और आटा निकलता रहता। आखिरी बात, मौलाना उस्मान साहब आ गए ने, मैं आखिरी बात बयान करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दा कि अल्लाह पाक इंसान की किस तरह से अपना इल्तजा सुनता है, पुकार सुनता है। हाफज इसने हाफज इबन असकर रहमाउल्ला ने एक वाकया नकल किया तारीख दमिश्क के अंदर, आने ने त्याडे तो पहले सोने यानी कि इस तरह करके एक इंसान सवारी ते किराए ते सवारी जिहड़ी इलाके नूं की करिया करदा सी, किराए वास्ते सवारी जिहड़ी सवार नूं किराया लै के इस तरह उहदी जगह ते छड्ड के आया करदा सी। एक दिन होया कि एक सवारी ऐसी मिल गई है, सवारियां भी इदा दी होंदियां साडे दौर दे अंदर भी कई सवारियां खतरनाक होंदियां कई शरीफ होंदियां। ये सवारी इदा दी मिल गई है, दो रास्ते ने, एक रास्ते का सवारी वाला भेती है, एक का भेती कोई नहीं। आंदा अज इस रास्ते थानी जाना है, आंदा मैं इस रास्ते का भेती कोई नहीं। आंदा चल तू नहीं भेती, मैं जानना है रास्ता छेती चल जाता है। चलदिया चलदिया एक जंगल के अंदर ला गया, वेख्या लाशा ही लाशा ने, बंदा परेशान हो गया, परेशान हो गया। आंदा यार सवारी भी ले ला, इस बंदे ने सवारी तो उतर के हमला किया, परेशान हो गया, क्या सवारी भी लै लाओ, मेरे को जो साजो समान ये भी लै लाओ, अल्लाह के अजाबा तो डरा के अल्लाह के अजाबा तो डर जाओ, यानी कि मैनू कतल ना कर। आंदा सवारी भी मेरी माल भी मेरा, लेकिन तेनू नहीं छड़ांगा। इन्हें आख्या नहीं छड़ेगा, दो रक्ता नमाज पढ़ लैण दे, और जो परेशानी आए उदो नमाज नहीं तरिया करो। जो कोई परेशानी बड़े मुसीबत बड़े मालक के दरबार से आ जाया करो, वजू करके नमाज पढ़ के अपनी परेशानी मालक के दरबार के अंदर रो रो के इल्तजा करके पेश करो, मालिक कहना तो परेशानियों का हल कर देंगे। इस बंदे ने नमाज लीती है, नमाज पढ़द्या पढ़द्या हुंदा की है एक घोड़े ते सवार आ रहा है, आने आने कीता की है दुश्मन नूं कतल कीता है। चल पिया वाद मारी कित्थों आया है, यानी कि जंगल के अंदर स्वाभी कौन नहीं इत्थे कि कोई मेरी इमदाद वास्ते आवे, इत्थे कौन पहुंच सकता सी बियाबान जंगल के अंदर। आखिया जिस मालक नू पकार आई उस मालक ने तेरी इल्तजा सुन के दुआ सुन के मैनू भेजा तेरे दुश्मन नू कतल करन वास्ते। अल्लाह दे कोलो दुआ है, अल्लाह सानू भी इस तरह इल्तजा करन दी तौफीक अता फरमाए, जो कुछ सुनिया सुनाया मालक कबूल फरमाए। और साडे आखिरी मेहमान मौलाना उस्मान गुंदरी साहब आ गए ने, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह खसूसी बयान इन्हों का होएगा, अल्लाह ताला इन्हों की उम्र के अंदर इलम के अंदर इजाफा फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वस्सलामुन अलल मुरसलीन, अलहम्दुलिल्लाह।